बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। और दिल से दुआ है कि अगर आप लोगों की कोई भी दुख तकलीफ और परेशानी है, अल्लाह पाक उसको खत्म फरमा दे, आमीन। और अभी जी सुबह का टाइम नहीं हो रहा, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, क्योंकि अक्सर हम लोग सुबह के टाइम शुरू करते हैं ना। तो आज बस सुबह मैंने इनको कहा था कैमरा पकड़ ले, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल भी हमारा व्लॉग इसीलिए नहीं आया, हम बहुत बहुत ज्यादा बिजी हैं। अभी आपको जाके दिखाते हैं, सारा सामान निकाल लिए और बुरा हाल हुआ पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है जी, कल सारा दिन जो ना ऑफिस के काम और घर के काम और बहुत सारे मामला थे जो कि करने वाले थे, कल बिल्कुल भी कैमरा पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी मेरी हांडी कोई नहीं बनी, और मैंने ना ये आलू देखे बॉईल कर लिए थे, इनको पीस रही हूँ मैं, इनमें नमक मिर्चे डाल के ना, तो आलू वाली रोटी बनेगी आज, हांडी भी नहीं बनेगी, क्योंकि इतना सा टाइम नहीं मिल रहा, इतना सामान है, समझ नहीं लग रही कैसे इसको जो है ना कवर करना है। हम आपको बताएंगे कल हमने हमारा कल का सारा दिन कहाँ गुजरा, क्या किया हमने। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। और आप लोगों ने सबने बताना है कि कल हमें किस किस ने मिस किया और किस किस ने नहीं किया, तो हमें पता है कि काफी ज्यादा जो हमारे देखने वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं। और जिस दिन व्लॉग नहीं आता ना, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आप ही आज आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो बस अब इंशाल्लाह हमारे व्लॉग रेगुलर आएंगे। व्लॉग तो मुझे भी फोन आ जाता है, आज क्या मसला है, व्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू किया, आज कोई वीडियो नहीं आई है, हमने मिस कर दी। तो आप अपने चैनल के सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिए आप खास तौर पे। तो चलते शुरू करते नहीं, अल्लाह का नाम लेके आज का व्लॉग। अच्छा जी, बस अभी हरीम की जो है ना पार्टी भी है, और पार्टी के लिए कपड़े भी निकालने हैं, और ये सारा खिलारा भी है, तो साथ साथ जो है ना मुझे ये भी फिक्र पड़ी है कि उनके कपड़े भी मैंने निकालने हैं। हाँ, इसको चीज की फिक्र पड़ी रहती है, आपने चीज लेने जाना है, है? चलो ठीक है। तो बस अभी मैं ना ऊपर चढ़ने लगी, उनके कपड़े उतारती हूँ और उसके बाद उनको तैयार शेयर करती हूँ। चलिए, बाप को ना अल्लाह खैर करे, हमारी ना सीढ़ी पहले टूट गई है बेगम साहबा के अपने जोर की वजह से, और मैंने भी ठीक नहीं करवाई, मेरे पे नाम आ जाएगा। देखना जरा, मैं हर वक्त सीढ़ी पे चढ़ के बैठी रहती हूँ ना, मेरे जोर की वजह से मुझे और काम। ये इस पर चढ़ेगी ना, जब इस अलमारी में से यहाँ से कपड़े निकालेगी ना, तो मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पे सीढ़ी, पहले चेयर रखेगी, फिर उसके ऊपर आग रखेगी, उसके ऊपर डंडे पकड़ूंगी, वाइपर का डंडा पकड़ूंगी, फिर पता नहीं क्या क्या पकड़ूंगी, तो फिर ऊपर से सारे थैले जो है ना मेरे ऊपर आकर गिरेंगे, वो खिलारा अलग होता है मेरे पास। तो ये फौजें चढ़ गई ऊपर, ये देखे जरा ऊपर चढ़ गई, अभी स्टेप वन किया है यहाँ से सीढ़ी के ऊपर, और ये ऊपर देख रही है। आयजा वाइपर लेकर आओ, जरा वाइपर लेकर आओ आयजा, नहीं रहने दो, बल्कि ये नहीं रहने दो, शॉपर में पड़ा मेरे ख्याल से इनका काम बन गया। मैं यहाँ से जरा ओए कुछ निकल आया नहीं निकला ना, कुछ नहीं निकला, अरे इनका जो सूट है ना पार्टी के लिए, वो देखना मैंने वो कहाँ पे रखा, इसमें नहीं पड़ा हुआ, नहीं इसमें मेरे कपड़े पड़े, ये हमारे सारे के सारे ब्रीफ केस, छोटे 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 काफी सारे हैं, ये हमारे ब्रीफ केस नहीं, हम जब जाते हैं ना ग्रोसरी लेने, तो जो भी हमें पैकेट इस तरह के दे देते हैं ना, हम संभाल के रख लेते हैं अपने कपड़े डाल लेते हैं। और फिर हम अपनी सेफ में ऐसे एक वो पड़ा हुआ, ये सारे पड़े हुए सारे के सारे ना यहाँ पे, हमने सारे संभाल लिए हैं, बड़ी तरीके से मैनेज कर लिया है, ऊपर ही पड़े होंगे कोई ना कोई, ऊपर कुछ नहीं पड़ा। ये निकले बिया के कपड़े, ये बिया के कपड़े मेरी के आगे, ये मेरी बेटी के कपड़े, ये वाले ये कपड़े मेरी बेटी के हैं, सारे के सारे तोड़े, ये बेगम साहब के हैं, जाने दे अब आप सारे के सारे, मैं तो कपड़े बनाती नहीं, हाय हाय बनाती नहीं, और है भी नहीं पहनने के लिए, ये बस मेरी शादी के कपड़े पड़े हैं। अच्छा अब क्या घूम गया अब, वो देखो ये देखो जरा, ओ भाई कहाँ क्या कर रही हो, ये छुपने की जगह, ये खेलने की जगह, ये वाली हद है यार, ये सारे का सारा, ये सारा गंद मुझे उठाना पड़ेगा, मोहतरमा फुल टाइम गंद मचा रही है मेरी बेगम से, ओके गया ये, ओ गया ओ शिट यार, कुछ मिला नहीं मिला, नहीं अभी तक तो नहीं मिला, अभी का मिल गया, हरीम का रह गया, अभी का वो ड्रेस मिल गया, अब हरीम का ड्रेस नहीं मिल पा रहा अभी तक, हरीम का ड्रेस उसने निकाल ही लिया था, नहीं ना
उन्होंने उसको ड्रेस दिया था ना, हाँ? वो वाला ड्रेस उसने पहनना है, वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पर गया। शायद इसने ना सारे तोड़े निकाल दिए हैं, किसी में भी नहीं मिले। वो ध्यान से वजन मुझे पकड़ भी नहीं रहे, वो मुझे देख ही जा रहे। वहाँ से मैं कैसे, वहाँ से यहाँ से मैं कैसे पकड़ूँ मुझे बताओ, यहाँ से पकड़। वीडियो कैसे बंद करूं मैं, वीडियो तो बनाने का मजा आ रहा था। चोट लग गई, हड्डी पसली टूट गई मेरी, मुझे तुम्हारी हड्डी पसली नहीं टूटती होगी, क्यों हो मुझे पकड़ नहीं रहे। इतने कपड़ों में गिरी है यार, भला बताओ, भला कपड़ों में गिर के चोट लगती है, कोई नहीं चोट कपड़ों पे, ये इस पे गिरी है, यहाँ से चोट लग गई इतनी जोर से मुझे, शॉक लगा होगा, चोट नहीं आई होगी। ऊपर चढ़े यार, तू ये कंध कौन उठाएगा, ये वाला आप उठाएंगे, मैं कोई नहीं उठा रही यार। ये तो ज्यादती है, मैंने मचाया भी नहीं है कंध, और मुझे बेगम साहब कह रही है ये सारा का सारा गंद मैंने उठाना है। सामान सारा वापस रख दिया ऊपर अभिया रिंग के बाबा ने, और यहाँ पर ये देखें शुक्र है थोड़ा सा जो खिला रहा है ना वो सिमट गया, और ऊपर के दरवाजे भी बंद हो गए। और आयजा जो है ना सामान की ना बस मत मार रही है, आयजा इसमें से कपड़े नहीं निकलने चाहिए बेटा। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझसे नाराज होकर ना वो सामने बैठ गए, वो देखें गुस्से में इनका मुंह देखें आप लोगों को, मैं पहली दफा दिखा रही हूँ, ये जब गुस्सा करते हैं ना तो ये ऐसे लगते हैं। कौन कहता है इनको गुस्सा नहीं आता, बड़ी लोग तारीफे करते हैं आपके हस्बैंड ये आपके हस्बैंड वो, बहुत ही माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है अच्छे हैं। जरा ऊपर करके चेहरा दिखाए, अच्छा नहीं हूँ मैं, बुरा ही हूँ। हो अपनी अपनी मर्जी, सारे बंदे सही हो जाते हैं, सारे बंदे गलत हो जाते हैं। एक मिनट, अपने ऊपर क्या बात आती, मैंने आपको यही कहना ऊपर सामान रख दें, सामान रखने पे उन्होंने इतना गुस्सा किया। मुझे सब लोग कहते हैं आपके हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ बड़ा काम करवाते हैं। मैं क्यों तो मैंने उतारे नहीं, जब मैंने उतारे नहीं है तो मैं रखूंगी वापस, मेरी हेल्प नहीं कर सकते आप, हेल्प करो ना, तुमको वापस रख दो, मैं काम करने जा रही हूँ, हेल्प करो, मैं तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ, ये क्या बात हुई। ये देखे आज मैंने इनको पकड़ लिया, आप सब लोगों को भी दिखा दिया, ये कैमरे के सामने बस अच्छे बनते हैं, पीछे इतने अच्छे कोई नहीं है। मैंने आज आपके इसलिए सबको बता दिया। सब इनका मुंह ठीक करने के लिए मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ किचन में पास्ता, और वाइट पास्ता आज मैं इनके लिए बनाऊंगी ताकि इनका जो मूड है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये देखें जी पास्ता मैंने इनके लिए रेडी कर दिया है, और आई होप कि ये देख के आपका मूड अच्छा हो जाएगा। टन टन आन पकड़ ली ना कमजोरी, तो अब ये खाएं नहीं, हाथ से खाना, अगली लड़ाई तो दे दो यार। अगली लड़ाई अब आयजा लेने के लिए गई है चम्मच, मैंने कहा जरा आपका मूड अच्छा कर दूं, चम्मच मैं बाद में आपको देती हूँ। यहाँ पे मैंने भी बच्चों को खाना दे दिया है, हरीम साथ मैंने ना एक कबाब फ्राई कर दिया था, और अब हरीम भी खाना खा रही है। और क्या देख रही होगी आप, ओहो आओ, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। खैर अब यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अभी हम मूली ले आई, अभी हम मूलियाँ तो आजकल कड़वी आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आयजा और जो अरहम है ना वो दोनों खेल रहे हैं। आयजा जूते को, अरहम जूते को हाथ ना लगाओ, नो, चलो आयजा आपको भी खाना खिलाऊं, आज अरहम आपको भी खाना खिलाऊं, आओ खाना खाएं। ये देखें जी हरीम तैयार हो गई है, अभी तैयार नहीं अभी आप, आयजा क्या कर रही है, और ये देखें अभी या को मम्मा क्या कर रही हो, के बाद ना मैं कर रही हूं। अभी ये कर कर लेके जाने हैं, बर्थडे फंक्शन है कोई, ये देखें आगे से तो ये मैंने कर्ल कर लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस पे स्प्रे करूंगी ना, और ज्यादा जो है ना इससे स्प्रे से क्या होगा, ये रुक जाएंगे, स्प्रे से परमानेंट खुलेंगे नहीं, ये परमानेंट हो जाएंगे, हमेशा के लिए हो जाएंगे, नहीं हमेशा के लिए, एक दिन के लिए, एक अच्छा दिन के लिए होंगे। और अभी हरीम मेरा वेट कर रही है, अभी मैंने ना हरीम के भी कर, तो चार तो बजे सवा चार हो गए, कब इन्होंने जाना, कब है, 5 बजे का टाइम है ना, 5 बजे जाना है आपने, और 8 बजे ये बताओ कपड़े जो है ना इनके बड़ी मुश्किल से मिले हैं, चोट लगवा के मिले हैं मुझे कपड़े, अच्छा हुआ चोट भी लगी, बाबा से लड़ाई भी हुई है, आपकी वजह से हुई है मेरी मम्मा की लड़ाई, वैसे इसे लड़ाई नहीं कहते, नोकझोंक होती है, ये नोकझोंक होती है, मैं मैच सुनाता तो फिर पता चलता ना नोकझोंक थी क्या था, तो आपने कब सुनाई है अभी मुझे, मैंने सुनाई इसमें कोई भी नहीं, चुप करके बैठ गया था, दिखाओ कैसी लग रही हो आप, माशाल्लाह हरीम तो बहुत प्यारी लग रही है। और हरीम ने जूता कौन सा पहना है, हरीम का ये वाला जूता है, और हरीम ने ना, हरीम के भी मैंने ना पीछे दिखाओ कर्ल कर दिए थे बाल, माशाल्लाह से इसके भी बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अबीहा कहाँ पर है,
नीचे चली गई है। अभी यहाँ को भी मैं दिखाती हूँ। चले मान बच्चों को छोड़ है, 5 बज गए, इनका फोन आ गया है। अच्छा बिया को मैं भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बिया भी बहुत प्यारी लग रही है, ये देखें। वाह जी वाह। जूता कौन सा पहना है? ये वाला पहना है। और बिया को ना मैंने ये पहना दी थी बाजू वाली, ये बनियान पहना दी थी। पीछे मुड़ो, वाह बिया के बाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, जबरदस्त। अबीहा आयदा को पकड़ो, आयदा को दादा बू नजर आ गए हैं। और वो क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? हाँ बिया ने धक्का दिया, दादा बू को देख लिया आपने? दादा बू घर में ही आ रहे हैं। और ये दोनों बाप बेटी जो है ना वो अब आए हैं। और लगता है आयदा ने इतनी देर, लगता है आयदा ने खूब तंग किया आपको, है ना? लड़ाई नहीं की मेरे साथ, ओए हो, इसीलिए आप मुझे कह रहे थे कि तुम भी साथ आ जाओ, है ना? इसलिए मैं आपके साथ नहीं आई मैंने कहा आज जरा आपको पता चले ना मैं क्या क्या एक्टिविटीज करती हूँ, कैसे कैसे हैंडल करती हूँ बच्चों को, मेरे कामों का भी। हाँ आयजा जो है ना, क्या क्या चीज लाई हो? वाह जूस फिर ले लिया, जुकाम है आपको? ओए होए होए, इतनी उदास हो गई, इतनी उदास हो गई। आप हरीम को भी? अभी तो अभी तो हो गई थी। आप इतनी उदास हो, इतनी उदास हो गई? कैसी रही पार्टी भैया? सारे गर्ल्स हो गए, क्या हाल है? मेरा बॉम्ब फट गया, ये देखो। क्या क्या खाया? गोल गप्पे थे, भटूरे थे और दही भले थे। क्या क्या था भैया बताओ? गोल गप्पे थे, भटूरे थे, दही भले थे। आपने क्या खाया? बॉम्ब फट गया? कौन सा बॉम्ब फट गया? आपको मना किया था, वो खट्टे होते हैं। गोल गप्पे खाए आपने? सूखी पूरियां, सूखी पूरियां खाई यार। और भटूरे भी थे। आपने क्या खाया रीम? मैंने गोल गप्पे खाए, रीम ने इतना सा खाना होता है, इसने बड़ा कुछ खाया होगा, पता मुझे। एक पूरी प्लेट भर के मुझे आ गई। गेम्स वगैरह कुछ हुई के ऐसे ही बस बैठ कर आ गए? वो फर्स्ट सेकंड ईयर के 9th क्लास की ना, वो उन्होंने ये डांस करती रही वापस स्टेज पे जाके। अभी यह तो पोसड़ है। चलेगी आज का व्लॉग कैसा लगा आपने जरूर बताना है। अभी हाँ इनकी पार्टी भी हो गई, होकर भी आ गई और मुंह से फिंगर निकालो और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, शेयर जरूर करना है। और अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।